हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं दी वायरल पढ़ाई मंत्र। गाइज, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बट एनएफसी के एग्ज़ाम के देखते हुए, यानी एनएफसी का जो सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है, वो 17 तारीख को है। तो गाइज, उसके देखते हुए मैंने सोचा कि कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसे फैमिलियर करा दिया जाए, इस तरह का मॉडल सेट लाया जाए जिस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। गाइज, आज के आपके सामने आज हम फिजिक्स के PDF लेकर आए हैं, जो एक रिप्यूटेड बुक महेश बर्णवाल का बुक से है। वैसे तो टाइम नहीं, इसलिए 2-4 दिन ही, लगभग 1 सप्ताह टाइम बचे हैं, इसलिए आप इस बुक को ना खरीदें तो ही बेहतर है। आप यहां से हमारे PDF से पढ़ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको इस YouTube चैनल पर आपको ये बताएंगे और PDF से कराएंगे, और फिर आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर रिविजन कर सकते हैं। लेकिन यह रिवीजन सबसे पहले आपको YouTube पर ही देखना होगा और उसके बाद टेलीग्राम पर देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा यादें होंगी। तो गाइज, हमारा कोशिश रहेगा, हमारा एफर्ट रहेगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन का होता है वो क्वेश्चन आपको कराया जाए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फिजिक्स के मेजरमेंट चैप्टर के टॉप 10, यानी 11-12 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करिए, जरूर पढ़िए, ताकि हमेशा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम बनाएंगे, आपको बस धीरे धीरे पेशेंस रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्ज का मात्रक क्या होता है? कार्ज का मात्रक जूल होता है, यानी कार्ज का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल की ध्वनि की प्रबलता की तो होती है, सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की वाट, हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मिलकर और संचालन दूरी में, ये तो सही है, लेकिन एडॉप्शन है, एडॉप्शन ये गलत है, ये नहीं होगा। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। आवेग की मात्रक क्या है? आवेग की मात्रक क्या है? आवेग की मात्रक न्यूटन सेकंड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केरोसिन की सापेक्षिक घनत्व की इकाई है, केरोसिन की सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। गाइस, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, यहाँ पर सुमेलित करने वाला है। पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है, इसको पूरा स्क्रीन ले लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इस तरह क्वेश्चन तो बट नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में 3-4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़िए। देखिए, यहाँ पर सुमेलित के लिए यहाँ पर है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसका आंसर दिया है। चलिए इसको देखते हैं। त्वरण है, त्वरण किसका होता है? त्वरण मीटर सेकंड का, बल का होता है न्यूटन, और कार्ज का हो जाएगा जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर बल तो सदिश है, वेग सदिश है, विस्थापन भी सदिश, और घनत्व केवल अदिश राशि है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन की मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन की मात्रक रेडियन होता है, कोणीय विस्थापन की मात्रक रेडियन होता है। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर भी सुमेलित करने का आ गया, फिर एक और देखिए यहाँ पर। इस तरह क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, बट एनएफसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहे, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए देखते हैं इसको। हाइग्रोमीटर किसका है? वायुमंडलीय आर्द्रता का है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसका है? रक्तदाब का है। और बोलोमीटर किसका है? बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा का है। और पायरोमीटर उच्च ताप का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 11th क्वेश्चन है आपका, पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल की इकाई किस क्या है? दाब की इकाई पास्कल होती है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, 12 नंबर क्वेश्चन। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है कैंडेला, ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है कैंडेला।
तो गाइज आज के क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है, इनमें से कौन से अदिश राशि है? बालगुण सदिश है, संवेग भी सदिश है, ये अदिश है। सॉरी क्या डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, माफ करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? देखिए ये सदिश है, और आगे भी चेक कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में शुरू में एक दे देते हैं लोग, यहीं पर टिक करके चल जाते हैं, बट आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पर वेग दे दे, यहाँ पर अगर विस्थापन दे दे और यहाँ पर बना दे कि ऑप्शन ए और बी, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कंडीशन नहीं है, इसलिए आप वेग को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो गाइज आपको हम देखिए आपको वेरीफाई करें, जैसे पी बराबर होता है संवेग बराबर पी बराबर एम भी, और किसका अनुपात पूछा है, और वेग का अनुपात, मतलब संवेग हो गया ई और ए हो गया वेग, भी से भी कट जाएगा लेकिन रिमेन बचेगा एम, और एम किसका होता है, द्रव्यमान का। गाइज नेक्स्ट चलते हैं, पार्श्व किसकी इकाई है? पार्श्व इकाई है दूरी की। तो गाइज आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा इस तरह के अनेकों वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला 5 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, और हम अधिकतर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को आपके साथ फैमिलियर करा दिया जाए। मतलब 15-20 वीडियो तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ताकि क्लास अगर हम ना भी ले पाएँ तो मतलब PDF आपको मिल जाए और आपका तैयारी पूरी हो जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।